वक्त की बड़ी खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी तेज। विधानसभा में शीतकालीन सत्र को लेकर होगी बैठक, तो विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की होगी बैठक सुबह 11:30 बजे। विधानसभा में शुरू होगी बैठक, तो सत्र को शांतिपूर्ण चलाने और एजेंडे पर बैठक होगी। और इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो शीतकालीन सत्र 29 नवम्बर से 5 दिसंबर तक चलेगा। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आज आपको बता दें कि विधानसभा में शीतकालीन सत्र को लेकर बैठक होगी। तो विधानसभा में शीतकालीन सत्र को लेकर बैठक होगी, विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। तो ऐसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो हेड अवनीश जी जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, आज शीतकालीन सत्र को लेकर बैठक होगी, किस तरह से बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्या इस बैठक में किस तरह के मुद्दे जो है वो उठाए जाएंगे, इसके अलावा विपक्ष की क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? ठीक है उदय, अगर बात करें जिस तरीके से यहाँ पे अभी लगातार अगर बात करें जिस तरीके से यहाँ पे हत्याएं हो रही थी, यहाँ पे भ्रष्टाचार था, चाहे यूके एसएससी मामला हो, कोई भी मामले हो, उसको लेके यहाँ पर अभी जो है जो विपक्ष है वो हमलावर होने की पूरी तैयारी कर रहा है। और कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से बात करें, अभी जो है जिस तरीके से यहाँ पे ऑटो यूनियन ने जो है ऐलान किया है विधानसभा घेराव का कल, तो उसको लेके बाकायदे कार्य मंत्रणा की जो है यहाँ पे आह्वान किया है। जो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूर जी है, उन्होंने कहा कि जो शीतकालीन सत्र है उसको किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाए, ये तमाम चीजों को लेकर उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष और तमाम जो प्रेमचंद अग्रवाल जो कैबिनेट मंत्री है उनको ये यहाँ पे खास में मुख्यमंत्री इसमें शिरकत करेंगे। आज ये जो बैठक होनी है काफी अहम मानी जा रही है। जी अवनीश जी, अगर बात करें तो हम देखते हैं कि जो शीतकालीन सत्र होता है उसमें हालांकि ये जरूर कहा जाता है कि जो सत्र है वो शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाए, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी इस तरह सत्र का आयोजन होता है और विपक्ष हमेशा हमलावर होता है, विपक्ष यही कोशिश होती है कि जितने भी बड़े मुद्दे हैं वो सरकार के सामने रखे जाए। जी बिल्कुल, देखिए उदय, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि जिस तरीके से विपक्ष की बात है, हालांकि यहाँ पे अगर बात कही जाए विपक्ष अपने में ही जो है यहाँ पे अंदरूनी चले जो है यहाँ पे रूबरू हो रहा है। अभी यहाँ पे अगर मेजोरिटी की बात करें तो एक पक्ष होने की बात यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही थी, परंतु बात करें तो जिस तरीके से हमलावर की बात है, लगातार जो अगर पूर्व का इतिहास देखा जाए सत्र का, तो जो विपक्ष है वो हमेशा बायपास करके जो है धरने पे बैठ जाता है और यहाँ पे जितने भी जो विकास कार्य है उसमें यहाँ पे जरूर कहीं ना कहीं जो है दिक्कतों का सामना जो है सत्तारूढ़ को करना पड़ता है। परंतु हाल फिलहाल की अगर बात करें, जिस तरीके से अभी योजनाओं की बात करें, जो मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिटी कोड की बात करें, मदरसों की बात करें कि उनको मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं, ये तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जो है एक मत यहाँ पे जरूर बनाने की कोशिश जरूर की जाएगी। जी जी अवनीश, धन्यवाद आपको इस पर अधिक जानकारी के लिए।